आपके या मेरे, हम सभी के मन में कभी ना कभी ही सही लेकिन एक सवाल जरूर ही उठता है। पहले के लोगों से हम अपनी तुलना करते हैं और सोचते हैं हमारी बॉडी, हमारा रहन सहन, हमारा खान पान उनके जैसा बिल्कुल ही नहीं है और इसी वजह से हम उतने फिट नहीं हैं, है ना। पिछले ज़माने से अपनी बराबरी तो हम कर ही नहीं सकते, लेकिन चलिए एक छोटी सी कोशिश कर सकते हैं और इसी कड़ी में हम बनाएंगे देसी स्टाइल की ये फ़ायदे से भरपूर, इतने सारे इसके फ़ायदे हैं, एक दो नहीं कई सारे हैं फ़ायदे, फ़ायदे मैं आपको बताऊंगी आगे। बनाना शुरू करते हैं इस बहुत ही एनर्जी से भरपूर ड्रिंक की। और इसके लिए ले लीजिए ताज़ा धनिया, धनिए की पत्ती और साथ में थोड़ी सी पुदीने की पत्ती। पुदीना कितना फ़ायदेमंद है पेट के लिए और धनिया भी जो है वो काफ़ी अच्छा होता है। इसमें ज़रा सा पानी को डाल के और इसकी आप एक प्यूरी बना के तैयार कर लें। और यहाँ पर आ गया हमारा भुना हुआ चना, जिससे हम बनाएंगे सत्तू। आप चाहें तो मार्केट में भी सत्तू आते हैं, सत्तू का पैकेट आता है, आप उसे लाएं, या फिर ये छिलके वाली जो आती है चने आते हैं, छिलके बहुत ही आसानी से घर में उतर जाते हैं, आप इसे घर में पाउडर बना के रख लें। सोचिए चने में कितनी ताकत होती है कि इसे घोड़ों को खिलाया जाता था, वही चने जिसका सर्दियों में भी होता है ज़बरदस्त फ़ायदा। सर्दियों में इसकी तासीर जो है हम ऐसे बनाते हैं कि वो गर्म हो जाती है और गर्मियों में पेट के लिए, गर्मी से बचाने के लिए रामबाण है ये जो सत्तू होता है, बिल्कुल है रामबाण। और कहीं भी पेट की आपको शिकायत है, कोई गैस बनता है, बदहजमी होती है या कोई भी डाइजेशन से रिलेटेड आपकी है परेशानी, आप इसे पी कर देखें, छू मंतर ना हो जाएं तो आप बताएं। इसकी पाउडर बना के रख ली हुई है, सत्तू के ऐसे पाउडर जो हैं वो बन जाता है, मार्केट से लाएं या घर में बनाएं। एक बड़े ग्लास में 2 चम्मच भरकर मैंने डाला है और 1 चम्मच यहाँ पर मैं डाल रही हूँ धनिया और पुदीने का पेस्ट। अगर आपको कच्चा प्याज खाने से परहेज नहीं है तो प्याज को बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े करके आप उसे डाल दें। और साथ में नींबू का रस, 1 नींबू है छोटी, उसे भी मैं डाल दे रही हूँ खट्टेपन के लिए। धनिया और पुदीने का पेस्ट, इसको आपको डेली बनाने की ज़रूरत नहीं है, एक ही बार आप बना कर रख दें, 3 से 4 दिन तक चल जाएगी, फ्रिज में स्टोर करके रखें। भुना हुआ जीरा पाउडर उसका, और साथ में काला नमक, काला नमक डालें या फिर नॉर्मल नमक डालें जो भी आप डालते हैं, और इसमें डालें पानी, ठंडा ठंडा पानी डालना है तो घड़े का पानी को डालें, मैंने तांबे के जग के पानी को डाला है, जितनी गाढ़ी और पतली आपको रखनी है उसकी मात्रा में आप डालें इसमें सत्तू को, और इसे आप कुछ दिनों तक पी कर देखें। इसके फ़ायदे देखने हो तो एक नहीं कितने सारे हैं फ़ायदे, नेट पर सर्च करके तो देखें। फिर मिलते हैं, बाय बाय।